चलो गाइस मास्टर रूशी के यहाँ पर चलते हैं। मैं कामेज हाउस पर पहुँच रहा हूँ और यहाँ पर पहुँच गया मास्टर रूशी पिछली बार की तरह। यहाँ पर बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं अपने घर के। तो गोहान कह रहा है कि मैंने लॉन्च को देखा तो था और पर वो पता नहीं कहाँ भाग गए। मास्टर रूशी कहते हैं तुम क्या बात कर रहे हो, लॉन्च तो यहाँ पर कुछ देर पहले ही आई है, उसे ज़्यादा देर भी नहीं हुआ। गोहान कहता है क्या, लॉन्च आगे निकल के कहती है कि क्या किसी ने मेरे को बुलाया। गोहान कहता है क्या, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि गोहान को, और लॉन्च कह रही है कि अच्छा तुम ही हो वो लड़के जिसके बारे में मास्टर रूशी बात कर रहे थे, तुम गोकू के सन हो है ना। लॉन्च कहती है कि मेरा नाम लॉन्च है। तो गोहान कहता है तुम लॉन्च हो, पर जो मेरे को वहाँ पर लड़की मिली थी ब्लॉन्ड हेयर वाली वो कौन थी। फिर लॉन्च बताती है कि वो भी मैं ही थी पर किसी और रूप के अंदर। लोग मुझे बताते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है जब कभी भी मैं छींकती हूँ, और मेरे कलर हेयर के वो भी चेंज हो जाते हैं, वो ब्लॉन्ड में बन जाते हैं। तो वुहान सरप्राइजिंगली कहता है कि अच्छा तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। लॉन्च कहते हैं कि मुश्किल है ना बिलीव करना, ये मेरे हिसाब से मेरे शरीर की एक छींकने वाली एक ऐसी कंडीशन है जो ऐसा हो जाता है उसमें। तो गोहान बोलता है फिर ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है इसको डिस्क्राइब करने का, अपने मन ही मन बोलता था। तो मास्टर रूशी याद करके बोलता है ओ मेरे को याद आया कि मैं तुम्हें ये वाली बात बताना तो भूल ही गया, माफ़ करना मेरे को इस चीज़ के लिए। बोल देता है हाँ बस इतना रिप्लाई देके अब लॉन्च बोलती है यहाँ पर कि मेरे को उम्मीद है कि जो मेरा दूसरा पर्सनैलिटी थी उसने तुम्हें ज़्यादा कोई ट्रबल पहुँचाई नहीं होगी, क्योंकि वैसे वो थोड़ी सी ऐसी टाइप की है। गोहान बोलता है मैं बस तुम्हें देख कर यहाँ पर सरप्राइज हुआ हूँ, क्योंकि तुमने कहीं और जाने की कही थी, जो तुम्हारी दूसरी पर्सनैलिटी थी उसने कहीं और जाने की कही थी। जब मैं आ रही थी, जब मैं वेस्ट सिटी के पास में थी और मेरे पास कोई फील नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने डिसाइड करा यहाँ पर आने की। तो गोहान कहता ओ अच्छा, फिर आगे यहीं पर ही रुक गया क्या भाई, आगे भी बोलो। अच्छा तो कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ। लॉन्च आगे भी कह रही है मैं तुम्हारे लिए क्यों ना खाना बनाऊं कुछ समथिंग स्पेशल ऐसा टाइप में कि जिससे कि मैं तुम्हें थैंक यू भी कर पाऊं। तो लॉन्च अपना बस थैंक यू कहना चाह रही है क्योंकि उसने लॉन्च के दूसरे रूप से मिला था जो कि खतरनाक है। तो लॉन्च को ये अभी बच्चा लग रहा है, इसी वजह से उसे थोड़ा ऐसा लगा कि इसको मेरे को कुछ देना भी चाहिए, क्योंकि इसने एक ऐसे मेरे रूप से लड़ाई करी है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसके पास बॉट्स बहुत सारे होते हैं। भाई किंग का ये आसमान से कह रहा है कि अब तुम एडिट कर सकते हो अपनी पार्टी को और चूज कर सकते हो किसको तुम अपने साथ में लेना चाहते हो एडवेंचर में। क्लिन कह रहा है कि ये इम्प्रेसिव था जैसे कि तुमने लॉन्च ढूंढा, और मेक श्योर करो कि है ना तुम बुलमा को भी बताओ कि तुम अभी ठीक हो, क्योंकि बुलमा तुम्हारे बारे में चिंतित हो रही है, वरिड है, थोड़ी बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई। तो अंदर से यार ये ले लेता हूँ भाई मैं अपना सामान, और ये क्या चीज़ है इस चीज़ को भी लेके देखते हैं भाई, ये भी क्या चीज़ है साइड में एग्जामिन कर रहा हूँ। गोकू और क्रिलिन को ट्रेन करने से पहले मास्टर रूशी को रिक्वायरमेंट थी कि उसको एक ब्यूटीफुल वुमेन चाहिए, ये स्टोरी के अंदर है। और इसके आगे क्या हुआ नेक्स्ट, और वैसे यार रहा नेक्स्ट से पहले यार देखो उन्होंने कपड़े कैसे पहन के रखे हैं एक बार ये और देख लो मतलब बुलबा ने जो पहन के रखा है इन तीनों ने भी वही पहन लिए, क्रिलिन गोकू और मास्टर रूशी सभी के सभी ने वही कपड़े पहन लिए ताकि थोड़ा कॉमन लगे, इसी वजह से शायद। गोकू और क्रिलिन ने फिर एक वुमेन को देखा जो कि पुलिस से बचना चाह रही थी, तो उस वुमेन को पकड़ के वो लेके आ गए यहाँ पर। मास्टर रूशी लॉन्च से बहुत ज़्यादा खुश थे, और जैसे ही उन्होंने अपने टर्टल स्कूल के सारे बच्चों को यूनिफॉर्म पहनाई तो कुछ अलग सा सीन नज़र आया। लॉन्च ने एक साथ छींक मारी और फिर एक साथ वो एक पोलाइट वुमेन से एक ज़्यादा ही खूंखार वूमेन में बदल गई, और ये वाली स्टोरी थी जो अभी हमने देखी। और अभी चलते हैं हम अपने घर पर। मास्टर रूशी हमसे क्या बोल रहे हैं, मास्टर रूशी ने अभी तुरंत बोला कि यहाँ पर लंच करने से इस प्लेस में जान आ जाती है, और लॉन्च ने अब क्या बोला तुम्हें पता है यहाँ पर फिर से रहना अच्छा हो सकता है जब तक कि मैं छींक ना मारूँ। तो लॉन्च की भी यहाँ पर पूरी बातें हो गई हैं, अब सबसे हमने बात कर ली एक एक करके, और अब चलते हैं अपनी जगह पर। अब हमें जाना है वैसे तो चीची के यहाँ पर, यानी कि गोहान की मम्मी और गोकू की पत्नी के पास में। चलो जब तक उड़ते हुए देखते हैं, यहाँ पर मेरे को कुछ दुश्मन दिखाई दे रहे हैं थोड़ी सी दूरी पर, अब ये बिल्कुल पास आ गए। चलो इनसे एक बार फाइट ले ली जाए।
पता नहीं दो बंदे कहाँ से टपक आते हैं। आता तो शुरुआत के अंदर एक ही है सिर्फ, और पर बाद में है ना दो बंदे आ जाते हैं एक साथ। यार तो मारो यार, ये ज़्यादा कलावंडी खा रहा है। ऐसी कलावंडी बचपन में खाया करते थे हम। हो गया काम भाई इन सभी का। ये वाले तो यार कुछ ज़्यादा कमज़ोर थे, वो जो उसने छोड़े थे ना लॉन्च में पिछले वाले गेम प्ले के अंदर, तो भाई वो वाले ज़्यादा खतरनाक थे। मतलब उन्होंने यार काफ़ी सारी हेल्थ कम कर दी थी। और एक वो वाला जब हम उसको पिलाफ नाम था शायद, उसको बचा रहे थे और उसके साथ में दो उसके दोस्तों को, यानी कि उसके जो नीचे काम करते हैं उनको बचा रहे थे, वो वाले खतरनाक थे। अरे यार यहाँ पर ये वाले भी आ गए क्या जो नापा ने छोड़े थे? लग तो ऐसा ही रहा यार, पर हम थोड़ा सा अजीब सी फाइटिंग हो गई है हमारे यहाँ पर। चलो भाई ये मर जाए तो बढ़िया यार, नहीं तो दिखाई तो दे नहीं रहा है उसकी शक्ल, बस ये दिखाई दे रहा है कि कहाँ पर कौन खड़ा है। चलो हो गया काम इसका, इनका भी काम हो गया, हमने दो फाइट और जीत ली। आगे की तरफ चलते हैं, आगे कोई मिल रहा है कि नहीं? लग रहा है ख़त्म हो गया अब यहाँ से। यार इनको पैदा कर करके कौन डाल देता है? एक यहाँ पर है, लो आ जाओ। हवा की वजह से यार मैं पीछे ही मुड़ गया बिल्कुल। मैं सोचा उससे फाइट लेने जाऊँगा पर पीछे मुड़ गया, कोई बात नहीं। चलो सारे जेड ऑप्स को कलेक्ट कर लूँ मैं, ये ब्लू जेड ऑप्स काफ़ी मदद करेंगे। ले लो ले लो ले लो। अब ऐसा करते हैं यार, चीची के यहाँ पर चलते हैं जल्दी से वर्ल्ड मैप को खोलकर, और यहाँ पर हम पहुँच गए। अब देखते हैं कि यार आगे क्या होगा, और आगे जानने के लिए यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, और साथ ही में इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा।